नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। एक और डांस ट्यूटोरियल में मैं रोहित चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं। इस बार गाना लेकर आया हूं मैं सैया जी यो यो हनी सिंह का, बहुत ही पापी डांस बहुत ही पेपी डांस नंबर है। तो शुरू करते हैं। पैर आपको ओपन करके खड़े होना है, मैच ऑफ पोजिशन में आपको करना है, इन आउट इन चेस्ट मूवमेंट के साथ, फिर नेक मूवमेंट राइट लेफ्ट राइट, फिर से रिपीट करना है इन आउट इन और नेक मूवमेंट लेफ्ट राइट लेफ्ट। इस बार राइट पैर उठा के रखने के साथ चेस्ट मूवमेंट इन आउट इन, नेक मूवमेंट बेंडिंग साइड राइट लेफ्ट राइट, फिर लेफ्ट पैर रखने के साथ चेस्ट मूवमेंट इन आउट इन और बेंडिंग नेक लेफ्ट राइट लेफ्ट। तो आप गाना शुरू होने पर इस तरह से एंट्री ले सकते हो और मतलब पैर ओपन करके पोजीशन लेकर फिर जहाँ से हमने डांस सीखा है वहाँ से डांस स्टार्ट कर सकते हो। स्लो मोशन पर हम डांस पहले देख लेते हैं, आप साथ में करके देख लीजिए। नेक मूवमेंट पे दोस्तों हमने फिनिश किया था, यहाँ से राइट हील और राइट एल्बो से ये मूवमेंट करना है, लॉक करके नेक मूवमेंट रिपीट करना है ये मूवमेंट, मगर इस बार हमको डबल बाउंस करना है। स्टेप टुगेदर स्टेप और नेक मूवमेंट करना है एक हाथ के साथ, फिर दोनों हाथ के साथ स्टेप टुगेदर स्टेप, और इस बार हमें बाउंस करना है दो बार। दोस्तों डबल बाउंस के बाद फीमेल वॉइस स्टार्ट हो जाती है गाने में, तो हमें हाफ सर्कल स्लो मोशन में कमर का और बचा हुआ हाफ सर्कल पार्ट्स में चार बार में पूरा करना है। फिर राइट लेफ्ट राइट पोजीशन तीन बार ऐसा मूवमेंट जिसे आप कुछ पी रहे हो और फिर पोजीशन ले लेना। दोस्तों ये पोजीशन हमने ले ली थी, इस पोजीशन से हाथ के तीन मूवमेंट और फिर डबल हॉप करना है आपको राइट साइड छोटे छोटे, फिर हाथ के तीन मूवमेंट और डबल हॉप करना है आपको साइड में लेफ्ट साइड। स्लो मोशन एक पैर पे बैलेंस करना है, फिर चार मूवमेंट करके प्रोफाइल फेस कर लेना है। प्रोफाइल फेस कर लेने के बाद दोस्तों हमें यहाँ से घुंघरू की आवाज़ पर एक पैर पे राइट पैर से फैन किक करना है, पोजीशन लेना है, तीन मूवमेंट करना है और हाथों के दो पॉइंट्स के साथ शफल करना है लेफ्ट साइड, फिर से तीन मूवमेंट करना है और लेफ्ट साइड शफल करने के साथ हाथों के दो पॉइंट्स सिंगल सिंगल डबल के साथ आप स्कूप करोगे हाथ सामने से और फिर हाथ वेव करने के साथ आप करोगे लेफ्ट राइट और दो बार लेफ्ट। मूवमेंट फिनिश करने के साथ दोस्तों हमें राइट पैर कर लेना है फ्री, अपना कैबेज पैच हम यहाँ से करेंगे वॉकिंग स्टाइल में, राइट लेफ्ट राइट राइट, फिर लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट करने के बाद आपको एक बीट कैच करना है, दो स्टेप्स वॉक करना है नॉटी सैया जी पर, आपको फिर तीन स्टेप्स वॉक करके टोस पर नीज बैंड करके बैठ जाना है। दोस्तों टोस पर इस तरह बैठने के बाद हमें थोड़ा बैलेंस करना है, तीन बाउंसेस करने हैं बहुत लाइट और फिर एक नेक मूवमेंट करना है, फिर वेव और हिट योर थाइस, वेव एंड स्लैप ऑन योर थाइस, तीन बार करने के बाद आपको पैर ओपन करना है फिर खड़े होना है। ओपन एंड टोस के साथ आप डायगोनली पीछे चार बार जाकर एंड ऑफ द मूवमेंट आप लेफ्ट साइड प्रोफाइल फेस कर लोगे।
प्रोफाइल फेस कर लेने के बाद जैसे आप कुछ पी रहे हो उस स्टाइल में ऑडियंस की तरफ वाला पैर उठा के रखना है, चार बार पॉइंट करना है, टर्न करना है, दो बार नॉट करना है, फिर स्लाइड करना है राइट साइड, पोजीशन लेके दो बार नीज पॉप करना है हाथ नीचे, स्लाइड करना है लेफ्ट साइड, दो बार नीज पॉप करना है हाथ ऊपर। इस बार हम फिर से स्लाइड करेंगे दोस्तों राइट साइड, मगर पैर नी बैंड पे टच करके रख देना है, नेक मूवमेंट करना है, पूरा कॉम्बिनेशन दो बार रिपीट करना है। आपको राइट पैर वेव, टैप करना है लेफ्ट पैर, टैप करना है राइट पैर, फिर वेव के बाद थोड़ा सा रुक कर दो बार टैप करना है। तीन स्टेप्स टुवर्ड द सेंटर लेने के बाद पैर पीछे रख के आपको फाइनल पोज देना है। यहाँ पर आप अपना परफॉर्मेंस फिनिश कर सकते हैं। एंड तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आशा करता हूँ कि ये वीडियो देखकर मेरे सारे सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स इस कोरियोग्राफी को ज़रूर सीख पाएंगे। थैंक यू सो मच। हैप्पी डांसिंग।